जो आपके प्रथम प्रश्न पत्र के भाग ए में है, संघवाद फेडरलिज्म। तो सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन दे दें कि जो संघवाद है वो सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत में आया। जैसा कि आप जानते हैं, आपने प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ा होगा कि संघवाद सबसे पहले स्थिति में आया संयुक्त राज्य अमेरिका। वो दुनिया का पहला संघीय संविधान था और उसने जो है तमाम सारे संघीय विशेषताओं को अपने संविधान में धारण किया। और उसके बाद बहुत सारे देशों को हम देखते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड को हम देखते हैं, जर्मनी को हम देखते हैं, अपने देश भारत को हम देखते हैं, पाकिस्तान को देखते हैं, नाइजीरिया को देखते हैं, ये सारे जो देश हैं ये संघीय प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं संघीय प्रणाली होती है और एकात्मक प्रणाली होती है, और इन दोनों के बीच जो विभाजन है वो इस आधार पर है कि जो संप्रभुता शक्ति का प्रयोग है वो किस प्रकार से संविधान में उसकी व्यवस्था किस तरह से की गई। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण जो आप संविधानों का जब अध्ययन करेंगे, जितने भी आपके संघीय संविधान है, आप उसमें एक विशेषता मानेंगे कि उसमें कुछ एक सामान्य सी कुछ विशेषताएं हैं। हालांकि आप ये मान के चलते कि ये नहीं कि हम वाटर टाइट प्रिंसिपल है कि यही सिद्धांत सारे संविधान में लागू होंगे, क्योंकि हर एक देश का अपना इतिहास होता है, हर एक देश की अपनी संस्कृति है, हर देश की अपनी राजनीति है और ऐतिहासिक जरूरतें हैं जिसमें संविधान अस्तित्व में आता है। जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो सभी संविधानों में कॉमन है, जो सभी संघीय संविधान है, लेकिन उसके साथ ही साथ उनमें कुछ शेड्स मिलते हैं, जो उनमें कुछ जो है बदलाव के साथ ही कुछ जो है सामान्य विशेषताएं पाई जाती है। तो सबसे पहले हम कुछ सामान्य विशेषताओं की बात करेंगे और फिर हम बहुत ही व्यवहारिक रूप से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनमें अलग अलग हमको कुछ शेड्स भी संघीय प्रणाली में मिलते हैं। तो सबसे जो पहली विशेषता होती है संघीय प्रणाली की, ये होती है संघीय प्रणाली में सबसे जो पहली विशेषता है वो ये है कि उसमें क्या होती है, दो तरह की सरकार। जब आप कहते हैं दो तरह की सरकार तो आप कह सकते हैं कि ये तो एकात्मक शासन में भी होती है, केंद्र सरकार कई बार स्थानीय सरकार बना देती है, लेकिन इसमें फर्क ये होता है संघीय प्रणाली की विशेषता में जो एक सामान्य सी विशेषता है कि दो तरह की जो सरकार होती है उनमें एक होता है कि उसको कहते हैं कि वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। एक टर्म है रिलेटिवली ऑटोनॉमस टू टाइम ऑफ गवर्नमेंट। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि एक दूसरे से सापेक्षिक रूप से एक दूसरे से स्वायत्त दो तरह की सरकार होती है, संघ की सरकार होगी और एक प्रांत की सरकार होगी। लेकिन इस बात को समझिएगा कि प्रांत की सरकार संघ सरकार के नीचे नहीं होती, क्योंकि संघीय प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो दोनों सरकार होंगी वो अपनी ताकत सीधे संविधान से प्राप्त करेगी। आप ये नहीं कह सकते कि जो संघ सरकार है वो ताकतवर है और उसके अंतर्गत आती है राज्य सरकार, ऐसा संवाद बिल्कुल नहीं होता है। संघवाद के अंतर्गत उसकी पहली विशेषता है वो ये होती है कि जो दोनों तरह की सरकारें होती हैं वो अपनी ताकत सीधे संविधान से प्राप्त होती है। और दूसरी विशेषता की तरफ डिस्कशन करेंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता होती है संघीय जितनी भी प्रणालियां हैं कि उनके पास एक लिखित संविधान होता है, जो लिखित संविधान होगा तो उसी संविधान में ही जो राज्य और जो संघ सरकार की जो शक्तियां हैं उनके बारे में आप लिखेंगे, उनके बारे में जो ये शक्तियां हैं कि कौन सी शक्तियां संघ के पास हैं, कौन सी शक्तियां राज्य सरकार के पास है और कौन सी एक शक्तियां जिनके बारे में बात नहीं की गई है वो जैसे बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ वो कहाँ पर है। यही पर आप देखेंगे कि वो इतिहास किस तरह का उस देश का, ऐतिहासिक परिस्थिति कैसी है, संस्कृति कैसी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि शक्तियों का विभाजन संघ में किस तरह से हुआ। विभाजन इन मुकाम में इस तरह से होता है कि जैसे रेलवे हुआ, मुद्रा हुआ, सब सामान्य विषय संघ के, तो ये संघ के पास होगा। और जैसे कुछ स्थानीय माध्यमिक विषय की किसी खास राज्य में कैसी स्वास्थ्य प्रणाली होगी, कैसी शिक्षा व्यवस्था होगी, कैसे विवाह के नियम होंगे, जैसे आप जानिए कि उत्तर प्रदेश में विवाह के नियम होंगे, जो नागालैंड या हमारे जो मिजोरम के राज्य हैं, जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, उनके दोनों में बहुत सारा फर्क देखेंगे कि काफी थोड़ा थोड़ा फर्क आपको देखने को मिलता है। एक जो तीसरी विशेषता है वो आप देखेंगे कि आपने शक्तियां लिख दी, लेकिन संविधान बना लिया, शक्तियों का विवरण दे दिया, दो तरह की सरकार है। लेकिन जाहिर सी बात है कि कोई स्थिति ऐसी भी आ सकती है जिसमें विवाद उत्पन्न हो जाए किसी विषय को लेकर कि राज्य सूची के अंतर्गत आएगा कि संघ सूची के अंतर्गत आएगा, तो उसका निपटारा करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जो कि क्षेत्राधिकार के कोई भी मुद्दे होते हैं उनका निपटारा स्वतंत्र न्यायपालिका के माध्यम से किया जाता है। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता सभी संघीय संविधानों की होती है कि इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। इसके अतिरिक्त एक और विशेषता है जिसको समझ सकते हैं वो ये है कि जो संघीय विधायिका होगी, संघीय विधायिका होगी उसके दो सदन होंगे।
ये विशेषता सभी संविधानों में देखने को मिलती है, तो आप इसको कह सकते हैं कि विसंगता, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। जैसे समझिए इस बात को, जैसे आप अगर आप भारत के एग्जाम्पल लेंगे, भारत के एग्जाम्पल में लीजिए, तो हमारे यहाँ जो संघीय विधायक है उसको बोलते हैं संसद। और संसद जैसे कि आप जानते हैं उसके दो सदन हैं, एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। नाम से ही बहुत स्पष्ट है कि जो राज्यसभा होती है वो कहीं ना कहीं एक राज्य की प्रतिनिधि के रूप में